हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे बूंदी प्याज का एकदम टेस्टी सा रायता, ढाबे पे मिलने वाला। चैनल प्लीज फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आप तक पहुँचते रहे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बाउल में 250 ग्राम दही है, इसको डाल लेते हैं और बढ़िया से फेट लेंगे। एक रस दही है, अच्छे से जमी, दही ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। इसको हम बढ़िया से फेंट लेंगे एकदम बिल्कुल स्मूथली, कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए। इस तरह से हमें दही को फेंटना है। तो दही जो है बढ़िया से फेंट चुकी है। अब ये 50 ग्राम बूंदी है, इनको इसमें डाल देते हैं। मार्केट रेडीमेड बूंदी है। एक मीडियम साइज का टमाटर था, इसको बारीक कट कर लिया था। इस तरह से थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए छोड़ देंगे, बाकी का डाल देंगे। साथ ही साथ एक बड़े साइज का प्याज था, इसको भी हमने, प्याज को थोड़ा ज़्यादा डाला है और इसको भी बारीक कट कर लिया था गार्निशिंग के लिए। इसको भी थोड़ा छोड़ दिया है, बाकी का डाल दिया। 4 से 5 हरी मिर्च है, इनको बारीक कट कर लिया, इसको डाल दिया है। साथ ही साथ इसको अब हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। एकदम बूंदी का रायता टेस्टी तो होता है, अगर इसमें प्याज और टमाटर डाल देंगे तो ये हेल्दी भी हो जाता है। क्योंकि प्याज जो है और टमाटर हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। तो देखिए बढ़िया से मिक्स हो गया। अब इसमें 1/4 चम्मच रायता मसाला डाल देंगे और नमक के स्वाद के अनुसार इसको ऐड कर देंगे। इस जगह पर आप काला नमक भी ऐड कर सकते हैं, हमने सादा नमक डाला है क्योंकि रायता मसाले में ऑलरेडी नमक होता है। साथ में थोड़ा सा बिल्कुल गर्म मसाला इसको ऐड किया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ज़्यादा मसाला नहीं यूज करेंगे क्योंकि रायते का टेस्ट नहीं आएगा। अब भी ये थोड़ा गाढ़ा है तो उसको पतला करने के लिए 1/2 कटोरी दूध है, इसको ऐड कर रहे हैं। क्रीम के साथ जो दूध है उसको ऐड कर दिया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये रेडी हो चुका है। अब इसको 2 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे ताकि बूंदी जो है अच्छे से सोख हो जाए। थोड़ा सा टाइम लेते हैं सोख होने के लिए और उसके बाद देखते हैं कि हाल चाल है। तो देखिए 2 मिनट हो चुके हैं, बूंदी अच्छे सोख हो चुकी है। रायता एकदम बिल्कुल परफेक्ट बनकर रेडी हो चुका है, ना गाढ़ा है ना पतला है, एकदम बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है। तो इसको एकदम बढ़िया से हम सर्व कर लेंगे, ऊपर से गार्निशिंग कर देंगे प्याज टमाटर हरी मिर्च से। और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सा बूंदी का रायता जो है बनकर रेडी हो चुका है। तो रेसिपी जरा से भी अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा रेसिपी कैसी लगी। ऐसी ही न्यू टेस्टी रेसिपी जानने के लिए चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऑल वीडियोज आप तक पहुँचते रहे। तो मिलता है अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड वीडियो को एंड तक देखने बहुत बहुत धन्यवाद।